क्या तुम्हें लगता है कि ये सब करना सही रहेगा? तो इसमें गलती क्या है? तुम अपनी आंखों के सामने उसे कॉल करना, अगर वो उठाए तो समझ जाना यार। लेकिन वो हमें मिल भी तो नहीं रहा, हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं। टेंशन नहीं लो, मिल जाएगा, देरी कहीं होगा, सब्र करो। वैसे हमने राहिल को अपने सर पे इतना सवाल क्यों कर लिया? हम क्यों उसे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। देखो, मैं राहिल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो जरूर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसको आगे तक ले जाएगा। राहिल बहुत ढीठ इंसान है यार, मैं तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इजहार और राहिल एक ही शख्स है। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ सिकंदर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? राहिल तो वो बैठा है। तुम जल्दी इजहार के नंबर पे फोन करो, देखना यही उठा है। जल्दी करो ना यार। देखा, मोबाइल बज रहे ना, उसका सुना तुमने? हाँ हाँ सुन रही हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? लेकिन वो फोन भी तो अटेंड नहीं कर रहा है। क्या मतलब फोन पिक नहीं कर रहा? साबित हो तो गया कि यही इजहार है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कैसे मान लूं कि वही इजहार साहब है और राहिल नहीं, जब तक वो फोन ना उठा ले? तुम एक काम करो, तुम दोबारा से नंबर मिलाओ, मुझे यकीन है कि यही है, और हो सकता है इसके पास दूसरा नंबर भी हो। हेलो, देखा वही निकला ना? नहीं, बेल जा रही है वो, तो तुमने मुझे कहा तो मुझे लगा कि उसने फोन उठा लिया। लेकिन राहिल तुम हो कहाँ पर? पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हें देख चुकी हूँ, मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर रहे हो। अरे मैं कैफेटेरिया में ही हूँ, फोन पे ध्यान नहीं गया, तुम कहाँ हो, आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। तुम मेरी बात का यकीन करो, एतबार करो मेरी बात पे, मुझे लगता है कि उसके पास एक और फोन है। तुम प्लीज एक और बार ट्राई कर लो। सिकंदर बस कर। शान तुम मेरी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप इस बात को भूल जाओ सिकंदर। कैसे भूल जाऊं? मुझे यकीन है कि वो राहिल इजहार है। सिकंदर अगर इसी तरह रहा ना तो तुम ज़हनी मरीज बन जाओगे। निकाल दो अपने ज़हन से ये वहम, वरना अपने साथ साथ मुझे भी पागल बना के छोड़ोगे। मुझे कोई वहम नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये राहिल इजहार है। चांद मैं वादा करता हूँ कि मैं इसकी असलियत बेनकाब करके ही दम लूंगा। बस सिकंदर, अब मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगी और ना ही इजहार साहब के बारे में कोई बात सुनना बर्दाश्त करूंगी। मगर चांद, प्लीज सिकंदर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि इजहार साहब की अहमियत मेरे दिमाग में क्या है? मैं उनके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने मजबूर होकर तुम्हारा साथ दिया था ताकि तुम्हारे दिमाग से ये गलत फहमी निकल सके। मैं जब तक उसे बेनकाब नहीं कर दूंगा, मुझे बस अब ये मौजू हमेशा के लिए खत्म।
अब इस हवाले से इस घर में कोई बात नहीं करेगा। हमारे पास और भी बहुत बातें हैं करने को सिकंदर, और भी हमारे बहुत मसले हैं जिसपे हम डिस्कस कर सकते। चांद कहो, क्या तुम वाकई सिकंदर से रिश्ते पर मुतमईन हो? वैसे क्यों कह रही हो? मुझे लगता है कि तुमने ये फैसला मजबूरी में किया। तुम्हारे पास इस मौजू के अलावा और कोई बात नहीं है क्या? एक दोस्त की हैसियत से मुझे तुम्हारे लिए सिकंदर का रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं लगता। वैसे यार, सच में कभी कभी राहिल बेचारे पर बहुत तरस आता है मुझे। दूसरों पे तरस खाना बंद करो और अपनी फिक्र करो, वरना एग्जाम्स में फेल हो जाओ। बात को मत बदलो, राहिल को उसकी मोहब्बत का ये सिला नहीं मिलना चाहिए। प्यार किया है उसने तुमसे, बेचारा डिसहार्ट है, उसका दिल तो जैसे इस दुनिया से टूट ही चुका है। ऐसे मुझे अशफाक भाई ने उसकी गुजरी जिंदगी के बारे में बताया था कि उसका बचपन किस तरह तन्हा बिन माँ के गुजरा, शायद इसलिए वो ऐसा है। सच पूछो तो मुझे भी उससे हमदर्दी हो गई। शायद यही वजह है कि वो कुछ भी बिना सोचे समझे कर जाता। काश अगर तुम्हारा ये जज्बा मोहब्बत में बदल जाता तो आज उसकी जिंदगी बदल जाती। लेकिन मुझे तो वो बेचारा हर हवाले से बदकिस्मत ही लगता है। यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। सारी हरकतों के लिए, उन सारी बातों के लिए जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची, अब मैं वादा करता हूं आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जो हुआ सो हुआ रहे, बेहतर होगा कि ये सब भूलकर हम आगे बढ़े। और मैं तुम्हें दिल से माफ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम आइंदा भी मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं देना। थैंक यू। मैं चलता हूं। सुनो, वहां राहिल बैठे हैं, वहां चल के बैठे अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। मुझे क्यों एतराज होगा, चलो। तुम सच कह रही हो? चलो। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या हम यहाँ पे बैठ सकते हैं? हाँ प्लीज बैठो। कुछ मंगाओ तुम लोगों के खाने के लिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक शर्त में, बिल तुम्हें पे करना होगा। नहीं शुक्रिया, हम अपना ऑर्डर खुद ही करेंगे और बिल भी खुद ही पे करेंगे। भाई अपना बिल तुम पे कर लेना, मेरा बिल तो राहिल पे करेगा।
क्या चक्कर है, कहीं नौरीन चांद के दिल में राहिल के लिए जगह बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही? अरे वाह, आज राहिल और चांद एक ही टेबल पर बैठे, कहीं मेरी नजर धोखा तो नहीं खा रही है? तुम वाकई चांद हो ना? तुम्हारी नजर बिल्कुल ठीक है फरिया, ये 100% चांद ही है। कैसे हो सिकंदर? मैं चांद पे पाबंदी तो नहीं लगा सकता। तुम्हें लगानी चाहिए, और अब ये तुम्हारा हक है सिकंदर। और वाकई में अगर तुम चांद को पाना चाहते हो तो उस पर पाबंदी लगाओ कि वो राहिल से ना मिले। आस की नदी से खाली प्यास ही मिली है, छाव भी दिखी तो वो भी धूप की जली है। इश्क मन में वो अगन लगाए। क्या बात है सिकंदर, तुम्हारा कब से मूड ऑफ है? मेरे मूड ऑफ होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब, बात क्या है सिकंदर? साफ बात तो यह है चांद के, मुझे तुम्हारी राहिल से हमदर्दी अच्छी नहीं लग रही। क्यों? इसका जवाब तो तुम खुद जानती हो। नहीं, मैं नहीं जानती सिकंदर, तुम बताओ तुम्हें क्यों एतराज। जहां तक मेरा ख्याल है आज राहिल के साथ बैठ के बातें भी की हैं तुमने। हाँ तो अचानक क्या हो गया? तुम तो राहिल की शक्ल देखने से भी नफरत करती थी, ऐसी कौन सी जरूरत होगी जो तुम उसके साथ बैठ के बातें भी कर रही हो? क्या हुआ है सिकंदर, आज मैं तुम्हारा एक नया रूप देख रही। पहले तो तुमने कभी मुझसे इस तरह की बातें नहीं की है कि मैं कहां जा रही हूं, किससे मिल रही हूं, फिर आज क्यों? चांद, जिस बात से हमारा नुकसान हुआ मैं तो बस उसे रोकने की कोशिश कर रही हूं। एक मिनट सिकंदर, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राहिल से मिली थी और मैंने उससे बातें भी की है बैठकर? चांद, इस रिश्ते से मेरा इतना तो हक है कि मैं पता कर सकूं कि तुम कहां पे। तो तुम मेरी जासूसी कर रहे, मैं कहां जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, क्या करती हूँ, किसको लगाया हुआ है तुमने मेरे पीछे, जो तुम्हें मेरी पल पल की रिपोर्ट देता। ऐसी कोई बात नहीं है चांद। अगर ऐसी बात नहीं है तो किसको पीछे लगाया तुमने मेरे, कैसे पता चला तुम्हें ये सब? अब तुम बात को खामखा बढ़ा रही हो। बात को बढ़ाया तुमने ऐसे कदर, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन शख्स है जो तुम्हें मेरी पल पल की खबर देता है। फरिया से फोन पे बात हुई थी। क्या तुम्हें फरिया ने ये सब बताया? तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है सिकंदर। जब हमारे रिश्ते में ट्रस्ट ही नहीं है तो क्या फायदा है इस रिश्ते का? चांद, बस ऐसे ही फोन पे बात हुई थी, तुम बात को खामखा बढ़ा रही। बस सिकंदर, मुझे आज एहसास हो रहा है कि मेरी मजबूरी में लिया गया फैसला कितना गलत था मेरे लिए। मैं भी एक इंसान हूं सिकंदर, किसी के दबाव में आके कोई गलत काम नहीं करूंगी। आखिर मैं भी जानती हूं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। मेरे भाई ने जीते जी आज तक मुझ पर कोई शक नहीं किया,
और ना ही मुझे कभी किसी काम से रोका, तो तुम कौन होते हो? चांद, ना ही मैं तुम पे शक कर रहा हूँ, ना ही तुमसे कोई अख्तियार छीन रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम राहिल से नहीं मिलो ना जाके। और चांद, मेरा इतना तो हक बनता है ना कि मैं तुम्हें कोई भी गलत काम करने से समझा सकूं, रोक सकूं। चांद, आज के बाद तुम राहिल से कोई रابطہ नहीं रखोगे, ना ही उससे मिलोगे और ना ही कोई बात करोगे। सिकंदर, सिकंदर, मुझे लग रहा है कि जिंदगी का ये सफर हम खुशी से नहीं तय कर पाएंगे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये रिश्ता खत्म कर रही हूं। क्या? मैं तो, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतना हर्ट हो जाओगी। सॉरी, आई एम सॉरी साहब, सॉरी, जो हुआ उसे भूल जाओ। नहीं सिकंदर, तुम्हारे आज के रवैये ने मुझे बहुत डरा दिया है। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरा हमसफर मुझ पे शक करे। हम अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं, लेकिन अच्छे हमसफर नहीं। चांद, देखो, छोटी मोटी बातें तो जिंदगी में चलती रहती है ना, मुझसे गलती हो गई है यार। आइंदा से कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं सिकंदर, मैं फैसला कर चुकी हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। खेलो अंगूठी और अब मैं किसी के कहने में आके अपना फैसला नहीं बदलूंगी।